माय नेम इज सिद्धार्थ मिश्रा फ्रॉम एमएस स्कूल। आज हम ग्रेड 4 हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे निबंध लेखन। अब तक हमने पाठ को देखा है, तो आज एक नया टॉपिक है आपके लिए, निबंध लेखन। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस विषय पर आपको 10 से 12 वाक्य लिखने हैं, उसका मतलब होता है कि वह है निबंध। निबंध का अर्थ होता है कि जिसका कोई बंधन नहीं होता उसको कहते हैं निबंध। मतलब कि आपके जो विचार है उसका कोई बंधन होता नहीं है, आप अपने विचारों से उस विषय के बारे में लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी निबंध जो होता है उसमें कई प्रकार के निबंध होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंध होता है, भावात्मक निबंध होता है, विचारात्मक निबंध होता है। तो जो वर्णनात्मक निबंध होता है उसमें आपको वर्णन करना होता है, जैसे कि पशु पक्षियों का वर्णन कर रहे हो, उनके बारे में आप बता रहे हो, या फिर कोई जगह के बारे में आप वर्णन कर रहे हो, जैसे कि आप जयपुर घूमने के लिए गए हो तो वहाँ पे आपने कोई महल देखा है तो उस महल के बारे में आप वर्णन कर रहे हो। मतलब कि वर्णनात्मक निबंध के अंदर आता है वर्णन करना। दूसरा जो है वो है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध के अंदर आपको आपके मन में छुपे हुए भाव को दर्शाना होता है। अब आपके मन में मान लो कि आपके दादाजी के प्रति कैसे भाव हैं तो वो आप उसके अंदर बता सकते हो। जैसे कि आपको ऐसा निबंध पूछा गया हो कि मेरे प्रिय दादाजी या मेरे अच्छे दादाजी, तो आप अपने दादाजी के बारे में बता रहे हो, तो उस निबंध के अंदर आपके अंदर के मन में छुपे हुए भाव को बताते हो। फिर आगे है वो है विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक जो निबंध है उसके अंदर आपके मन में छुपे हुए विचार होते हैं। मतलब कि आपको ऐसा कहा गया हो कि प्रार्थना का महत्व, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो आपके विचार उसमें आते हैं कि आप क्या सोचते हो उस बारे में कि प्रार्थना क्यों जरूरी होती है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं और हमें कैसी करनी चाहिए। तो इस बारे में हम अपने विचार जो है वो उसके अंदर लिखते हैं। रमत गमत का महत्व, पैसों का महत्व, मेहनत का फल, ऐसे बहुत सारे निबंध आते हैं। विचारात्मक निबंध के अंदर अपने विचारों को दर्शाना होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं कि ध्यान में रखने योग्य बातें। मतलब कि जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली है कि विषय को समझना, कि आपको जो विषय दिया जाता है उसको आपको समझना चाहिए कि ये कौन सा विषय है, उसमें मुझे क्या लिखना है, तो उस विषय को पहले समझो कि ये विषय कौन सा है। दूसरा है कि पूर्व जानकारी। अब आपको उस विषय के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए। आप लिख रहे हो गाय के ऊपर निबंध, तो जब गाय के बारे में आप बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गाय कैसी होती है, वो क्या खाना खाती है, वो कहाँ पे रहती है, जो वहाँ जहाँ पे रहती हो उस जगह को क्या बुलाया जाता है, वो हमें किस प्रकार से उपयोगी होती है, हमें उसकी किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। उसके अलावा गाय जो है वो किस किस के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कि जैसे कि कृष्ण भगवान के साथ गाय को जोड़ा जाता है कि कृष्ण भगवान जो है वो गाय को चराने जाते हैं। आपने वो पोस्टर में भी देखा होगा कि कृष्ण भगवान के साथ गाय जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आपको उस विषय के बारे में पूर्व जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद है विचारों को क्रम में लिखना। आपके मन में किसी भी विषय पर बहुत सारे विचार आते होंगे, पर उस विचार को आपको क्रम में लिखना जरूरी है। आपको ऐसा कहा गया है कि गाय के बारे में आप लिखिए, तो आपको गाय के बारे में पहले पूर्व जानकारी तो है ही, उसके बारे में बहुत सारे विचार आपके मन में होते ही होंगे, तो आपको जो अपने विचार हैं उसको क्रमबद्ध लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप प्रस्तावना रखोगे, गाय जो है उसको क्या कह के बुलाया जाता है, जैसे कि गाय को हम माता कह के बुलाते हैं, गाय एक पालतू प्राणी है, इस प्रकार से हम गाय के निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका वर्णन करोगे कि वो कैसी दिखती है, वो कौन से रंग की होती है। उसके बाद आप बताओगे कि गाय क्या खाती है, वो कहाँ पे रहती है,
पर आप लोग ऐसे क्रम में अपने विचारों को नहीं रखते और उसको अस्त व्यस्त रूप में निबंध लिखोगे, आगे पीछे अपने विचारों को बताओगे, तो वो निबंध अच्छा कहा जाएगा नहीं। तो यहाँ पे विचारों को क्रम में लिखना भी जरूरी होता है। वर्तनी और विराम चिन्हों का उपयोग, जो आप वर्तनी लिखते हो तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वर्तनी की वजह से हम जो कहना चाहते हैं वो अच्छे से कह पाते नहीं हैं और हमारा कहने का अर्थ ही बदल जाता है, तो वर्तनी को भी हमें ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का भी उपयोग होना जरूरी है कि जहाँ पे हम अपने कुछ पंक्तियाँ रखते हैं खुद की या किसी कवि की, तो उसको हम अवतरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह, अवतरण चिन्ह, पूर्ण विराम जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे ऐसे विराम चिन्हों का भी उपयोग करना जरूरी होता है, तभी हमारा निबंध अच्छा कहलाता है। तो आज मैं आपको वर्षा ऋतु निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ कि वर्षा ऋतु निबंध के बारे में आपको लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखोगे। तो अब हम देखते हैं निबंध वर्षा ऋतु। निबंध वर्षा ऋतु, सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि भारत की मुख्य तीन ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन ऋतुओं में भी दो दो भाग होते हैं। वर्षा ऋतु जो है वो जुलाई महीने से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक चलती है। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा गया है। प्रस्तावना के बाद आता है प्रकृति पर वर्षा का प्रभाव। विद्यार्थी मित्रों, जब वर्षा ऋतु आने वाली होती है तो प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम लिखेंगे कि बताएंगे कि जब गर्मी से बेहाल हो जाते हैं उसके बाद जब वर्षा आने वाली होती है तो प्रकृति में बदलाव होने लगता है। आकाश में जो सफ़ेद बादल है वो काले रंग के बन जाते हैं, फिर कहीं से हवा भी चलने लगती है। उसके बाद आप देखो तो कोयल और मोर की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, बिजली कड़कने लगती है और बादल गरजने लगते हैं, फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब जब बारिश शुरू होती है तो धीरे धीरे जो रोड के आसपास की जगह होती है जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पर हरियाली छा जाती है। सिर्फ वहीं पे ही नहीं, जहाँ खुला मैदान होता है वहाँ पे भी हमें हरियाली देखने को मिलती है। पृथ्वी का वातावरण एकदम आह्लादक हो जाता है, मन भावन हो जाता है। तो प्रकृति पर इस प्रकार से वर्षा असर करती है। अब हम देखते हैं जनजीवन पर वर्षा का प्रभाव। जैसे प्रकृति पर वर्षा का प्रभाव होता है वैसे जनजीवन यानी कि लोगों पर भी वर्षा का प्रभाव रहता ही है। जब वर्षा होती है तो कुछ लोग वर्षा में भीगने के लिए बाहर निकल आते हैं, उनको बारिश बहुत ही अच्छी लगती है और बारिश में भीगना भी। तो कुछ लोगों को बारिश में भीगना अच्छा लगता नहीं है, तो वो लोग रेनकोट या छतरी का उपयोग करते हैं। बारिश के मौसम में लोग मकाई का भुट्टा खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। उनको जो चारों ओर हरियाली छाई होती है उस प्रकृति को देखने के लिए वो निकल जाते हैं, उनको वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान। तो वर्षा ऋतु का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वातावरण में ठंडक छा जाती है, जो आसपास की जगह होती है, जो पेड़ पौधे हैं वो हरे बन जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, किसान अपनी खेती में जुट जाता है। जब वर्षा ऋतु होगी तभी अच्छी फसल वो उगा सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती है वो वर्षा ऋतु पर आधारित होती है, तो इसलिए वर्षा ऋतु हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब फायदे के साथ साथ नुकसान भी उससे जुड़ा हुआ है। जब वर्षा ऋतु होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पे पानी भर जाते हैं, उनको बेहाली का अनुभव होता है। शहरों में भी हर जगह
गड्ढे बन जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, जिसके कारण जो जनजीवन है वो ठप हो जाता है। घरों में पानी भर जाता है। रास्ते पर पानी भरने के कारण वो लोग काम पर समय सर नहीं पहुंच पाते, इस प्रकार उनको नुकसान भी होता है। सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छी ऋतु कहलाती है, इसलिए तो उसे ऋतुओं की रानी कहा गया है, क्योंकि इस वक्त ना ही बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडी होती है, और इसके साथ यहाँ पे हर लोग खुशहाल दिखाई देते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी ऋतु और ऋतुओं की रानी कहा गया है। तो इस प्रकार से हम निबंध की समाप्ति करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने वर्षा ऋतु निबंध के बारे में देखा। ऐसे ही आपको जब वर्णनात्मक निबंध पूछा जाए तो आप किसी भी विषय पर वर्णन करके उसको लिख सकते हो। तो मैं आशा रखूंगी कि आपको ये निबंध लेखन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।